करेला यानी बिटर गोर्ड एक काफ़ी कॉमन सब्जी है। जहाँ तक सवाल है इसके टेस्ट के बारे में, ज़्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। कुछ लोग को कुछ फॉर्म्स में करेले ज़रूर पसंद होते, पर एटलीस्ट बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छी सब्ज़ी या बहुत टेस्टी सब्ज़ी मानते हैं, मुश्किल कम लोग मानते हैं। लेकिन हाँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक खासकर डायबिटिक लोगों की बात आती है, ज़्यादातर लोग इसे एक अच्छा प्रोडक्ट मानते हैं और ज़्यादातर डायबिटिक लोग को इसका जूस भी पिलाया जाता है और करेले भी खिलाए जाते हैं, ये सोच के कि ये डायबिटीज़ में बहुत मदद करेगा और अपने आप में शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आज बात करेंगे हेल्थ के हिसाब से करेला के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं और इसकी क्या न्यूट्रोफिक वैल्यू है, क्या कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या विटामिन मिनरल्स का कंटेंट है इसमें, और फाइनली बात करेंगे कि इस पर हमारा क्या फाइनल वर्डिक्ट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्या इसे रेगुलर बेस पर लेना फायदे का सौदा है या नुकसान का। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स पर। बेनिफिट्स में शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। बेसिकली इसका काम करने का तरीका यह है कि इसमें खुद तो बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, शुगर वैल्यूज़ को ये खुद नहीं बढ़ाता है और बॉडी का जो इंसुलिन रिसेप्टर पर सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। इंसुलिन रिसेप्टर का मतलब ये है कि जिस रिसेप्टर या जिस जगह पर सेल्स में जो जगह होती है जहाँ पर बाइंड करके एक्शन जो करता है इंसुलिन हार्मोन, वो जगह को रिसेप्टर बोलते हैं। वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के यानी ज़्यादातर जो कॉमन डायबिटीज़ वाले पेशेंट में वो रिसेप्टर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। इस रिसेप्टर के काम नहीं करने वाली प्रॉब्लम को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं यानी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। ये प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में अगर हम करेले को लेते हैं तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूवाइज करता है। और सेल्स के अंदर जब ये रिसेप्टर प्रॉपर काम करता है तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा पाता है, क्योंकि ये रिसेप्टर एक गेटकीपर जैसा काम करता है जिसके माध्यम से ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज का एंट्री होता है। यदि रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर काम नहीं हो पाएगा और ब्लड में ग्लूकोज भरता रहेगा जिसकी वजह से व्यक्ति की हेल्थ बिगड़ेगी। तो ये काम को करने में करेला मदद करता है। ऐसा नहीं है कि ये करेले को पीने से डायरेक्टली आपका सारा डायबिटीज़ चला जाएगा, लेकिन हाँ रिसेप्टर लेवल पर ये थोड़ी मदद करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट में मदद करता है। यदि आप इसको लोगे टाइप 1 डायबिटीज़ में फ़ायदा नहीं करेगा, यानी बच्चों के डायबिटीज़ में फ़ायदा नहीं करेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ा फ़ायदा कर सकता है। अपने आप में बीमारी को क्योर कर देगा और आपकी बीमारी पूरी तरह से चली जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये रिसेप्टर को मदद करता है काम करने में, इसलिए इसको लिया जा सकता है, लेने में कोई खास बुराई नहीं है, बशर्ते आप दवाइयों के डोजेस को प्रॉपर ध्यान दें। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हो, साथ में अगर आप दवाई भी ले रहे हो, तो ये और दवाइयाँ साथ में मिलकर शुगर लेवल्स को ज़्यादा लो कर सकती है, जिसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो दवाइयों का जो आपका सेवन है उसको ध्यान से लीजिए, क्योंकि इसको दवाइयों के साथ में लेने में आपस में रिएक्शन हो सकता है जिससे आपका शुगर लेवल ज़्यादा कम हो सकता है। तो दवाई के बदले इसको ले रहे हैं और शुगर वैल्यूज़ ठीक रह रहे हैं तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर चेक तो करते रहना पड़ेगा। पर आप अगर इसको दवाइयों के साथ में ले रहे हैं तो डॉक्टर को डेफिनेटली इन्फॉर्म करिए, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा कम होने से ज़्यादा जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, पोटेशियम और डाइट्री फाइबर अच्छा है, जो कि बॉडी के कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी यानी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा है और बॉडी के बहुत सारे कामों को करने के लिए अच्छा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें काफ़ी अच्छे हैं, इसमें विटामिन सी होता है, फ्लेविनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़राब करता है, उनको ख़त्म करता है। फ्री रेडिकल्स बेसिकली बॉडी के अंदर मौजूद कुछ चार्ज सेल्स हैं जो कि थोड़ी मात्रा में रहते हैं तो कीटाणुओं से लड़ने में या बॉडी के काम करने में मदद करते हैं। ज़्यादा मात्रा में यदि ये सेल्स बॉडी में भर जाएँ तो ये नुकसान करते हैं और इससे आपकी बॉडी में हार्ट अटैक का, कैंसर होने का, एजिंग होने का या आपके अलग अलग तरह के कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ता है, उसको कम करके भी एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं, तो उस मामले में करेला अच्छा है। डाइजेशन के हिसाब से भी अच्छा है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और बाउल रेगुलरिटी का प्रॉब्लम है तो वैसे पेशेंट में यदि आप करेले को रेगुलर बेस पर लेते हो तो आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट बेटर होता है। इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस यानी गैस की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छा है। इसके अलावा ये वज़न को कम करने के हिसाब से भी अच्छा है, इसमें खुद को बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती। यदि खाने में आप करेले की सब्ज़ी को लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलेंगी, खाने के बदले इसको लेते हो तो वज़न कम करने में मदद करेगा, बशर्ते आप इसको फ्राई करके बहुत ज़्यादा नहीं बनाएं और बशर्ते आप इसको
बहुत ज़्यादा खाने के बाद एक्स्ट्रा ना खाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप एक्स्ट्रा खाते हो तो बहुत फ़ायदा नहीं करता है। खाने में सब्ज़ी बाकियों के बदले अगर आप इसको लेते हो, मान लीजिए आलू की सब्ज़ी आपने बनाई या मटर की सब्ज़ी बनाई या पनीर की सब्ज़ी बनाई, उसके बदले आप इसको ले रहे हो तो कम कैलोरी देगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। पर अगर आप ये सारी सब्ज़ियाँ खाने के बाद एक्स्ट्रा इसको अगर खाओगे कि ये एक्स्ट्रा मदद करेगा, तो वैसा कुछ खास नहीं होगा। आपको बाकी सब्जियों के बदले इसे लेने में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में इसमें कैलोरीज कम है। इसके अलावा ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि स्किन में जो विटामिन सी होता है इसमें वो आपकी कोलाजन लेवल्स को इम्प्रूवाइज करता है, जिससे कि स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डैमेज होना वो कम होता है, एजिंग या उम्र से रिलेटेड स्किन में जो चेंजेस होते हैं वो कम होते हैं। तो ओवरऑल ये आपकी स्किन यानी चमड़ी की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसमें है कुछ हेल्थ के नुकसान भी, अब उस पर बात करेंगे। एक तो इसका टेस्ट ज़्यादातर लोग को पसंद नहीं आता, ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, खासकर इसका जूस भी अगर किसी को ज़बरदस्ती पिलाया जाता है ये बोल के कि वो हेल्दी है, तो ज़्यादातर वो अच्छा नहीं मानते इसको, कोई टेस्टी तो नहीं होता, कड़वा काफ़ी होता है। कुछ स्पेसिफिक तरीके से यदि आप इसको नमक के पानी में डुबा करके फिर उसको पकाते हैं, या अगर आप उसको कुछ और मसालों के साथ बनाते हैं, या इसको ब्लैंचिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसी टेक्निक से इसका कड़वापन को कम किया जा सकता है। वो कुकिंग टेक्निक्स का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को प्रिजर्व करके इसके टेस्ट को काउंटर करने के लिए या इसके ख़राब टेस्ट को कम करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा करने से आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रयोग करना बुरा नहीं है, पर ये है कि ज़्यादातर लोग को इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आता। कुछ लोग को इसको खाने के बाद पेट में उल्टी होने का काम, नौजिया होने का काम, लूज मोशन होने का काम और पेट दर्द होने का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की बॉडी को सूट कर रहा है और पेट ख़राब नहीं हो रहा है तो खा सकता है, किसी किसी को नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी दवाइयों से, खासकर शुगर की दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता है। यदि आप शुगर की दवाइयों के साथ और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ इसे ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपके शुगर वैल्यू ज़्यादा कम हो सकता है। ये खुद से अपने आप के शुगर को बहुत कम नहीं करेगा, यानी खुद से आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी डेंजरसली शुगर लेवल्स को लो नहीं करेगा, लेकिन बाकी दवाइयों के साथ अगर लेते हैं तो शुगर वैल्यू ज़्यादा लो हो सकती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर आप ले रहे हैं तो इसको प्रॉपरली डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और उसको इन्फॉर्म करिए, ताकि वो दवाइयों के डोजेस को थोड़ा कम कर सके और आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ना हो। कुछ इसमें कंसर्न ये है कि प्रेगनेंसी में ये नुकसान कर सकता है। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को अगर बिटर गोर्ड ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है तो ब्लड शुगर लेवल्स कम हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी में थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में करेला नहीं खाना चाहिए। लास्ट इसमें साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जिसको कुकुरबिटेसी यानी इसकी फैमिली के दूसरे फलों या सब्जियों के साथ, खासकर खीरा और कद्दू या वेजिटेबल्स है उसमें प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो वो अगर इनको लेते हैं तो करेले से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एलर्जिक रिएक्शंस, रैशेस होना, चकत्ते होना, सांस फूलना और एलर्जिक रिएक्शन से कभी कभार जान भी खतरा हो सकता है, पर वो काफ़ी रेयर है। अगर ऐसा आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। कैलोरीज इसमें काफ़ी कम है, 100 ग्राम में लगभग 17 कैलोरीज है, जो कि काफ़ी कम है। कार्बोहाइड्रेट इसमें काफ़ी कम है, 100 ग्राम में खाली 3.7 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रोटीन्स इसमें काफ़ी कम है, 1 ग्राम है, जो कि काफ़ी ख़राब है। प्रोटीन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फैट इसमें काफ़ी कम है, यानी 0.2 ग्राम से 100 ग्राम में, जो कि बहुत अच्छा है। फाइबर का कंटेंट इसमें 2.6 ग्राम है, जो कि एवरेज है, ठीक ठाक है, तो इसको लिया जा सकता है। 100 ग्राम में लगभग 2.6 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। विटामिन और मिनरल्स इसमें विटामिन सी, ए, विटामिन के और फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम, ये इसमें होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत रिच सोर्स नहीं माना जाएगा, लेकिन ये विटामिन मिनरल्स का ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन आपको देता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका काफ़ी कम है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। शुगर को अगर आप खाते हैं तो जितना शुगर वैल्यूज़ बढ़ते हैं यानी ग्लूकोज वैल्यूज़ बढ़ते हैं उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट में इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाली 15-30 होता है, जो कि काफ़ी लो है, और ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी कम है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी यदि आप इसको खाते हैं तो शुगर वैल्यूज़ को नहीं बढ़ाता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। लास्ट में हमारा फाइनल वर्डिक्ट इसमें क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है सब्ज़ी, लेकिन ज़बरदस्ती इसको खिलाना या ज़बरदस्ती बहुत हेल्दी है, आदमी को टेस्ट पसंद नहीं भी आ रहा है फिर भी आप उसको खिला रहे हो कि डायबिटीज़ चला जाएगा, आप ये खाओ और जामुन खाओ, खाली दिन भर पेशेंट को करेला और जामुन खिलाओगे, उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के इससे भी बहुत बेटर तरीके हैं, काफ़ी सारे सिंपल मेडिसिन से भी हो जाता है, डाइट से हो जाता है, एक्सरसाइज से हो जाता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग से इससे कई गुना अच्छे से हो जाता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप फॉलो कर सकते हो तो 6 महीने के अंदर पूरा रिवर्स भी हो सकता है आपका डायबिटीज़। अब करेला खिला के आप पेशेंट को इतना टॉर्चर करो, एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ।
हाँ ये थोड़ा फ़ायदा करेगा, आप इसको टेस्ट इन्जॉय कर सकते हो और उसका जूस अगर आप पीना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पी सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, अगर आपको टेस्ट पसंद है तो डेफिनेटली आप पी सकते हो, पर ज़्यादातर लोग को नहीं होता और ज़्यादातर लोग को ये अननेसेसरी टॉर्चर जैसा ही लगता है। उनको ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ है इसलिए उनको कीमत चुकानी पड़ रही है कि वो करेले का जूस पी रहे हैं और करेले की सब्ज़ी खा रहे हैं और परिवार वाले उसको खिला खिला के टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको इसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे बहुत बेटर तरीके अवेलेबल है जिससे आप आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो बिना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स के। लेकिन हाँ, अगर आप इसको टेस्ट पसंद करते हो और बाय चॉइस आप इसे ले रहे हो तो कोई नुकसान नहीं, बहुत नुकसान नहीं करेगा। ये है कि आप आपके डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको लेने से शुगर वैल्यू ज़्यादा लो हो सकता है जिससे कभी कभी जान का खतरा हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और क्या क्या डाइट में करने की आवश्यकता है उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए, वो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें।